यस लास्ट क्लास में हमने ये डिफॉल्ट मूव नेटवर्क, एक्जेक्टिव नेटवर्क और सीनियर नेटवर्क पढ़ा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लंबिक सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट इमोशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये एरिया है जो कि इमोशन रेगुलेशन में काम आता है ना। सीनियर नेटवर्क के बिल्कुल नीचे है ये। से इसमें लंबिक सिस्टम में होता क्या है, ये रेगुलेटर कहलाता है, ठीक है, रेगुलेशन करता है इमोशंस की। इसमें होता क्या है, एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाउन ब्रेन नेटवर्क है, सबसे ओल्ड है। Limbic system has been found to regulate many core brain functioning including response, reaction, behavior, emotion, memory, learning. Learning, memory, emotions, हर चीज को control करने में किसका आग्रह इसका, ठीक है। तो limbic system बहुत important है, जहां भी emotion regulation होगी, cognitive regulation होगी, कोई भी functioning होगी तो कौन सा system आएगा, limbic system है ना। और द लंबिक सिस्टम हैज डेवलप्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन और टू रेगुलेट द कोर फंक्शनिंग इन द मैमल्स एंड ह्यूमंस। इसकी टेस्टिंग की गई है किनके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, मैमल्स के ऊपर ना। और क्या किया गया, दिस प्रोसेस ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ, इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है पहले पढ़ते हैं, रिस्पांस टू द स्टिमुलस सच एज अ न्यू स्मेल, साउंड, टेस्ट। सबसे पहले ये क्या करता है, जो नोबल का वो होता है नया स्टिमुलाई होता है उसको पहचानता है, रिकनाइज करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। स्मेल बुरी है अच्छी है, फॉर एग्जांपल स्मेल आ रही है आपको बुरी है या अच्छी है, आपको उसके बारे में कोऑर्डिनेशन के बारे में बताता है कि ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है ना। टेस्ट, ये जितनी भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ द रिएक्शन एंड मोटिवेशन, बी इट सेल्फ प्रोटेक्शन एंड रिवार्ड सीकिंग होता है। ये मोटिवेशन जो होती है कब आती है आपको, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है ना, सेल्फ प्रेजिंग करता है, आप लोगों की तारीफ करता है। ये कहाँ आती है, किसको फील होती है, ये सेलियन नेटवर्क में थी ना मोटिवेशन पेन, वहां उसको क्या पता किसी ने आपकी तारीफ की है, तारीफ किसने की है, इंटेंसिटी क्या है, ये कौन समझाता है उस सिस्टम को, सेलियन नेटवर्क को ये समझाता है, किसी ने तारीफ की है, मोटिवेशन की है, मोटिवेशन दी है या कुछ कहा है, नेगेटिव कहा है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना कि क्या इंटेंसिटी है, किस तरह का कहा है, क्या उसने पॉजिटिव वे में कहा है या नेगेटिव वे में कहा है ना। द बिहेवियर दैट इसके बारे में इमोशनल एसोसिएशन विद दैट रिस्पांस एंड बिहेवियर, क्या होती है इमोशनल एसोसिएशन विद द रिस्पांस एंड बिहेवियर। डेफिनेटली जितना भी इमोशनल एरियाज होती हैं, कॉग्निटिव एरियाज होती हैं, उनकी एसोसिएशन इस एरिया से होती है, यहां से कंट्रोल होते हैं। द मेमोरी इज फॉर्मेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जितनी भी मेमोरीज होती हैं आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से बनी होती है, अच्छे या बुरे से, है ना, वो कहाँ बनती है, यहाँ, क्योंकि यहीं से रेगुलेट होती है, यहीं से बनेगी ना। अगर आपको बाहर से पॉजिटिव स्टिमुलेशन आई है बट आप फील कर रहे हैं नेगेटिव, है ना, ये उस चीज को कंट्रोल करता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, फिर इंटेंसिटी का लेवल उसको रेगुलेट करता है पूरे का पूरा। एनी लर्निंग एंड टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस, आपकी चीजों से जो भी आप सीखते हैं सबको ये स्टोर करता है, सबको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट लोकेशन सेम उसी तरह के हैं, द लंबिक सिस्टम इज जनरली इंक्लूड द एमिग्डाला, थैलमस, हाइपोथैलमस, इसमें मेमोरीज है ना, हाइपोथैलमस, थैलमस, हिप्पोकैम्पस एज वेल एज न्यूमरस फंक्शनली एनाटॉमिकल रिलेटेड टू द एरिया दैट इज कंसीडर्ड इज द पैरालंपिक स्ट्रक्चर्स। दीज एरिया इंक्लूड द प्री फ्रंटल लंबिक सिस्टम, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, मिडिल टेम्पोरल नेटवर्क एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एंड ऑल्फैक्टरी लोब एट द वेंट्रल टेंजिमेंटल, जो टेंजिमेंटल एरियाज, बेसिकली ये अगर एरिया देखे ना सारे मिक्स थे, यही एरिया सीनियर नेटवर्क के थे मोस्टली एरियाज, है ना, यहाँ मेमोरी के एरियाज नए आए हैं, हाइपोकैम्पस और हाइपोथैलमस नए आया है ना, बाकी एरियाज वही थे जो पिछले वाले के थे, थैलमस और वो सारी चीजें है ना। तो यहाँ भी मोशंस है, रेगुलेशन है, डेफिनेटली एरिया एक दूसरे के साथ वेन के थ्रू, एफ्रंट और एफ्रंट वेन्स के थ्रू जुड़े हुए हैं ना। मैं किसी वो बताऊंगा कि एफ्रंट वेन क्या होती है, एफ्रंट के इमोशंस को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और कहाँ जाती है ना, वो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर बना हुआ जिसके थ्रू ये इमोशंस रिकनाइज होते हैं। वो एक नया टॉपिक है, वो ब्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, वो वेन्स के ऊपर है पूरा का पूरा, वेन का स्ट्रक्चर कैसे फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये लोकेशन थी, इसमें पैथोलॉजी क्या होगी, मेजर प्लेयर इन द मेमोरी इमोशंस बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ द sense loss of the functioning in the limbic system typically manifests intensified or reduction of the core brain activities. अगर इसमें कुछ problem हो जाए तो आप intensity को feel ना कर पाएं, emotions को समझ ना पाएं, उनका level ना समझ पाएं, cognitive level ना समझ पाएं, किसने थोड़ा सा डांटा तो आप उसको दिल पे लेके बैठे होंगे बहुत डांटा, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है सुबह से शाम तक आपको फील ही नहीं हो रही, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो ये इंटेंसिटी को बताता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द
एक्सटर्नल स्टिमुलस ना उसके साथ इंटरेक्ट करता है ये। अगर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, एपिलेप्सी होती है किससे? टेम्पोरल एरियाज में ब्रेन के। किससे होती है? व्हेन द लिम्बिक सिस्टम बिकम ओवर एक्टिव ड्यूरिंग द सीजर। इस एरिया में सीजर्स आते हैं। कौन से एरिया में? टेम्पोरल लोब के अंदर सीजर्स आ सकता है अगर ये एरिया ओवर एक्टिव हो जाए, है ना यार। के सीजर जो मिर्गी के दौरे कहते हैं, जिनको सीजर्स कहते हैं, एपिलेप्टिक कहते हैं, जब भी ये ओवर एक्टिव हो जाए तो सीजर्स आते हैं। किस एरिया में आएंगे? स्पेसिफिकली टेम्पोरल में, ठीक है। लंपिक ये ब्रेन का नाम है। ए रेयर द ये क्या ऑटो इम्यून कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन इन द लंपिक स्ट्रक्चर एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब है कि इसके ये ब्रेन के एरिया के अंदर इम्यून सिस्टम रिवर्स हो जाता है ना। सम टाइम ये खराब हो जाए तो क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। जब वो रिवर्स होता है तो इसकी वेन्स के अंदर, इसके एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। जब भी ये खराब होगा तो क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये ब्रेन का जो एरिया है इसमें क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी इस एरिया में। और जिसकी स्वेलिंग की वजह से क्या होगा? लिम्बिक स्ट्रक्चर अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन द कंडीशन ऑफन कॉज लॉस ऑफ द शॉर्ट मेमोरी कंफ्यूजन एंड सीजर्स। इस एरिया के अंदर ये एरिया में ये होता है कि ये एरिया का इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। इम्यून सिस्टम किसके लिए बना है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जब वो डैमेज हो जाता है तो क्या करता है? अपने ही सेल को, टी सेल को, उनको बी सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। किल सेल्स होते हैं ना जो प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं, वो रिवर्स काम शुरू कर देते हैं। जब वो रिवर्स काम शुरू करते हैं तो यहाँ क्या होता है? स्वेलिंग होती है। ये जो व्हाइट मैटर होती है, व्हाइट जो सेल्स होते हैं बाहर आ जाते हैं ना फ्लूइड से, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से क्या होता है? आपकी जितनी मेमरीज हैं, सारी मेमरी यहीं पड़ी है, हिप्पोकैम्पस यहाँ है, और यहाँ मेमरी जो होगी शॉर्ट टर्म मेमरी और कंफ्यूजन एंड सीजर ये बढ़ जाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमरी स्टोर नहीं होगी, कंफ्यूजन हर चीज की आपको होगी, और सीजर क्या होगा? मे बी आपको एपिलेप्टिक सीजर आए, साइकोलॉजिकल भी, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं ना। एप्लीकेशन इन द डिमेंशिया ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रोल इन द इनकोडिंग द लॉन्ग टर्म मेमरी लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ऑफन मार्क बाय द डिस्टिंक्ट लेजर एंड इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है सिग्निफिकेंट? जब ब्रेन में लॉन्ग टर्म में मेमरी जा रही होती है तो उसमें क्या होता है? आपका जो ब्रेन का एरिया होता है वो कट जाता है या इंपेयरमेंट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमरी में नहीं जा सकती। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए इसके तो क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से रिमोट मेमरी से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो आपकी मेमरी जाएगी लॉन्ग टर्म में स्टोर होगी और वो अल्जाइमर जैसी होगी, है ना, फॉरगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा अगर इंस्टॉल हो भी गई तो, है ना, अल्जाइमर वाला डिजीज होंगे। इसके बाद रोल इन द न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर द लिम्बिक सिस्टम इज डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द बिहेवियर एंड सेल्फ इन्फ्रेंशियल प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट टू द वेरियस न्यूरोसाइकेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग एंग्जायटी बाइपोलर डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिया ऑटिज्म साइकेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अग्रेसिव एंड इंपल्सिव बिहेवियर। अगर ये एरिया जो इमोशंस को कंट्रोल करता है ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इमोशनल प्रॉब्लम होंगे। इमोशनल प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है ना, इंपल्सिव प्रॉब्लम है, अग्रेशन का प्रॉब्लम है ना, ये सारे सिम्टम्स है ना किसी एक डिजीज के, जिस जिस डिजीज के साथ ये लिंक करती है वो डिजीज होना शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यस लास्ट।